हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू आवर चैनल, इट्स मिस्टर एंड मिसेस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल वड़े। कम मसाले में आज हम बनाएंगे मसालेदार स्पाइसी दाल वड़े। अभी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और सबके घर में भजिया, पकोड़े, वड़े सब बन रहे हैं। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ कम इंग्रेडिएंट्स में कैसे टेस्टी एंड क्रिस्पी दाल वड़े घर पे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट हमने पहले लिया है चना दाल, जिसे मैंने 2 घंटे भिगो के रखा था। अभी ये थोड़ा फूल गया है, मैंने इसका सारा पानी ड्रेन करके अभी हम इसे मिक्सी में पीसेंगे। थोड़ा दरदरा ही पीसना है, एकदम से ग्राइंड मत कीजिएगा। ये देखिए, इसमें मैं डाल रही हूँ इसमें 1 इंच अदरक और 1 हरी मिर्च तोड़कर डाला है। आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा चिली डाल सकते हैं। ये दरदरा ही पीसेगा, ज़्यादा ग्राइंड मत करेगा, क्योंकि जब दाल वड़ा खा रहे होंगे और मुंह में जो थोड़े थोड़े दाने आते हैं ना, वो बहुत टेस्टी लगता है। और अभी हम इसमें डाल रहे हैं हमारे सारे ड्राई मसाले, जो है 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून अखा जीरा और थोड़े से चॉप्ड ऑनियंस। आप इसमें धनिया पत्ता और कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है, क्योंकि हम ये अभी लॉकडाउन के टाइम बना रहे हैं और कुछ कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो इसीलिए हम इसमें जितना कम स्पाइसेस या कम इंग्रेडिएंट्स में अच्छा और क्रिस्पी बनाने की कोशिश की है। और इसमें हमने डाल दिया है 4 टेबलस्पून बेसन, आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर या फिर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अभी मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक। अभी इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। बेसन हमने इसमें इसलिए डाला है ताकि वो बाइंडिंग का काम करे, नहीं तो जब भी हम ये वड़े का मिक्सचर तेल में डालेंगे तो वो फट के तेल खराब हो जाता है या फिर आपके ऊपर छिटक भी सकता है। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं ये दाल वड़े की वड़े टिक्की। इसे देखिए, हाथ में थोड़ा सा 1 ड्रॉप ऑयल डाल के उसे गोल हल्के हाथों से प्रेस कीजिए तो हमारी टिक्की बन जाएगी। योर अभी मेरा तेल गरम हो चुका है, ये मैंने अभी हाई में रखा है। अभी जब हम वड़ा डालेंगे तभी मीडियम फ्लेम में कर देंगे। देखिए हमारे वड़े एकदम से गोल गोल हैं, एक भी नहीं फूटे हैं, तो ये अच्छे से क्रिस्पी। और आप ज़्यादा उसको हिलाइए मत, एक साइड थोड़ा सा हल्का लाइट ब्राउन होने के बाद आप उसे टर्न कीजिए, नहीं तो टूटने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसमें। और इसे मीडियम फ्लेम में ही करिए, नहीं तो बाहर का कुक हो जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा, तो वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। और देखिए फ्रेंड्स कितने अभी तो क्रिस्पी दिख रहे हैं। अभी हमारा ये फर्स्ट बैच बन चुका है, अभी हम इसे निकाल देंगे, अभी हमारा सेकंड बैच डालेंगे। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये कम स्पाइसेस में, कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत टेस्टी और क्रिस्पी और स्पाइसी भी बना है। आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप मिक्सी में जब दाल पेस्ट करने के लिए डालते हैं, मिक्सर करते हैं, तो फिर तभी आप और 2 ग्रीन चिली ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा गरम गर्मा गर्म दाल वड़े रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साइड में जो छोटा सा बेल आइकन है उसे भी हिट कीजिए, ताकि हर एक नई रेसिपी की वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, जो कि फ्री है। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।